उनको राजधानी के डीडी नगर इलाके में हुई अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने दो अपहरणकर्ताओं राजा तोमर और घटना का मास्टरमाइंड अंकित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मूलतः ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसपी देवचरण पटेल ने पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने 1 करोड़ की फिरौती के लिए युवक का अपहरण किया था। हालांकि 3 आरोपी जिन्होंने मारपीट की वो अब भी फरार है। दो जून को राजधानी रायपुर में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों की भी गिरफ्तारी की है। आखिरकार इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया वो ही सीधे जान लेते सर। बड़ा खुलासा किया है, अब भी आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, कैसे अंजाम दिया गया घटना? 2 जून को जो सिद्धार्थ आसटकर का अपहरण हुआ था, इस मामले में पुलिस तुरंत एक्टिव होकर के जो है घटनास्थल का मुआयना किया। एसएसपी साहब खुद पहुंचे, उसके बाद जो है पूरे राज्य में एक प्रकार से नाकाबंदी किया गया। इसके प्रभाव में आकर के जो है आरोपी जो है सिद्धार्थ आसटकर को कवर्धा में छोड़कर चले गए थे। मामले में जो गाड़ी मिली थी वो गाड़ी को हम लोगों ने जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कराया। उससे गाड़ी का जो है एड्रेस ग्वालियर निकला और उसी के आधार पर जो है हम लोगों ने इसमें टीम भेजा ग्वालियर। ग्वालियर से पता चला कि यहाँ पर से एक आदमी जो है अंकित मिश्रा ग्वालियर का रहने वाला है, यहीं रायपुर में रहता है, उसी ने गाड़ी बुक कराया था। उसके आधार पर जो है अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो 3 आरोपी जो घटनास्थल में मौजूद दिख रहे हैं वो उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, अंकित ने इस पूरे अपहरण कांड को अंजाम दिया, जब अपहरण कांड किया जा रहा था तब वो कहाँ पर मौजूद था? जब अपहरण हुआ है तो अपहरण के दौरान अंकित रायपुर में ही था, लेकिन रायपुर में जो घटना स्थल है वहाँ पर नहीं था, वो बाहर से फोन के माध्यम से संपर्क में था। और उसका जो एक मुख्य आदमी है जो राज तोमर, वो राज तोमर जो है घटना के दौरान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी में ही मौजूद था। सर, तो जो 3 लोग फरार हैं इन्हीं लोगों ने मारपीट की है? निश्चित तौर पर जो 3 लोग फरार हैं अभी वो ग्वालियर के रहने वाले हैं, वो एक दिन के लिए यहाँ आए थे और वापस चले गए हैं। अभी जो है उनका पतासाजी की जा रही है, जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि 1 करोड़ की फिरौती के चलते ये पूरा अपहरण कांड को अंजाम दिया गया। इसमें मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही जो गाड़ी का चालक था वो भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन वहीं 3 आरोपी जिन्होंने मुख्य तौर पर उनसे मारपीट की थी और गाड़ी में बैठाया था वो फरार है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH24।